नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में जो कुछ भी सत्ता संग्राम चला और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो हुआ वो दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरीके से आधी रात को लोकतंत्र की हत्या हुई। संयोग से दो दिन बाद जो है संविधान दिवस था, संविधान दिवस पे जो है मातम मना, एक तरफ मातम मन रहा था, दूसरी तरफ उसका जश्न मन रहा था संसद में। इसके बाद जैसे ही 26 तारीख को फैसला आया, बताते ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में ही ये तय किया गया था कि और अब इस मामले को खींचने से कोई फ़ायदा नहीं। समझा जा रहा है कि उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए और विपक्ष में बैठिए। उन्होंने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। लेकिन असल सवाल ये है कि ये जो रणनीति बनाई गई थी कि ऐसे ऐसे इस ऑपरेशन लोटस को अंजाम देना है, उसमें चूक कहाँ हुई, कैसे जो है पूरा का पूरा मसला गड़बड़ हुआ। तो बताते ये हैं कि जो भूपेंद्र यादव हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी थे, गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश बिहार तक ये बीजेपी के खेवनहार रहे हैं और इनको मिस्टर भरोसेमंद के नाम से जाना भी जाता है। बट वहाँ पे जो ऑपरेशन चला उसमें इन्हीं की कमान दी गई थी, देवेंद्र फडणवीस भी थे इनके साथ। कैसे फेल हुआ ये, इन्होंने किसका किसका सहारा लिया जा रहा था? तो एक तो मिस्टर भरोसेमंद फेल हुए, देवेंद्र फडणवीस तो जो फेल हुए सो हुए ही, मिस्टर भरोसेमंद फेल हुए। और इनका यदि देखेंगे पार्टी में ग्राफ, तो इन्होंने जो है 1992 में जो है गुरुग्राम में भाजुमो के अध्यक्ष रहे थे और 2009 तक अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के ये महासचिव की भूमिका निभाई, 2010 में बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी बने और 2012 में पहली बार इनको राज्यसभा भेजा गया, 2013 में प्रभारी बनाया गया और फिर इनकी तरक्की होकर के ये महासचिव बने। दोनों के यानी कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनके भी ये नज़दीक माने जाते हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके भी नज़दीक माने जाते हैं। और इन्होंने एक के बाद एक कई ऑपरेशन को अंजाम भी दिया है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में वो फेल हुए। इनके अलावा जो दूसरा नाम आ रहा है ये तो मिस्टर भरोसेमंद है, लेकिन जो और चार लोग लगाए गए थे उनके ऊपर अब ये आरोप लग रहा है कि वो बाहरी थे और बीजेपी में सत्ता का स्वाद चखने के लिए आए, बढ़ चढ़ करके दावे किए लेकिन वो बुरी तरह से फेल हुए। वो दूसरा नाम कौन है? वो है नारायण राणे। इन्होंने राजनीति की शुरुआत शिवसेना से की थी, शिवसेना में ये बाला साहब के कभी नज़दीक हुआ करते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे से कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को जब बाला साहब आगे बढ़ाने लगे उसी दौरान इनका बीच पड़ा और इन्होंने रुख कर लिया कांग्रेस का। कांग्रेस में जा कर के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में जा कर के फिर ये राजस्व मंत्री बने और फिर ये जो है बारास्ता कांग्रेस बीजेपी में आए, इनको जिम्मेदारी दी गई और जिम्मेदारी देने के बाद इन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े दावे किए, कई दावे किए। और कहा यह जाता है कि इनको ये कहा गया था कि आपको इस तरीके से दावे करने हैं कि जिससे कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में हड़कंप मचे। सो ये कहते रहे कि इनके इतने विधायक हमारे टच में हैं, तो ऑपरेशन लोटस को जो अंजाम देने वाले हैं प्रमुख लोग थे उसमें से एक ये भी हैं, ये भी फेल मारे हैं। और जो तीसरा नाम आ रहा है, ये दो नाम हो गए, भूपेंद्र यादव, नारायण राणे, और तीसरा नाम जो है गणेश नाइक का है। गणेश नाइक अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इन्होंने शिवसेना से की थी, 1995 में शिवसेना बीजेपी सरकार में मंत्री थे, बाद में वो शिवसेना से अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई लेकिन कामयाब नहीं हुए, और फिर 1999 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो एनसीपी में शामिल हो गए, कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, 15 साल तक के कैबिनेट मंत्री रहे। 2014 के विधानसभा चुनाव में गणेश नाइक को बीजेपी का में से हार का सामना करना पड़ा बीजेपी के कैंडिडेट से, और इनका मुंबई महानगर पालिका में खासा प्रभाव है। और फिर ये जो है इनके बेटे जो है नवी मुंबई के मेयर भी बने, और ये फिर जो है जब देखे कि उधर हार के बाद हार मिल रही है तो ये आ गए बीजेपी में। अब ये चौथा जो नाम है वो है राधाकृष्ण विखे पाटिल। ये कभी कांग्रेस में विधायक दल के नेता हुआ करते थे, विपक्ष के नेता हुआ करते थे, इन्होंने जो है रिजाइन किया
आप सबसे पहले इनके बेटे बीजेपी में शामिल हुए सुजय विखे, और वो जो है अहमदनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पे जीते। और फिर ये इन्होंने क्या किया कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये कैबिनेट मंत्री भी बने। उस समय काफ़ी हड़कंप मचा था जब ये कांग्रेस से पाला बदल करके बीजेपी की तरफ गए थे। पहले बेटे को भेजा था और फिर ये खुद शामिल हुए थे, तो ये भी ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने में शामिल थे। इनके ऊपर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, लेकिन बात बनी नहीं। और जो पांचवा नाम है वो है बब्बन राव पाचपुते। ये भी कांग्रेस और एनसीपी में रह चुके हैं, प्रभावशाली नेता हैं, मंत्री रहे, काफ़ी कुछ जिम्मेदारी इनको भी दी गई थी। और इन्हीं यही पांच लोगों की, मतलब कि पूरी जो निगरानी थी वो भूपेंद्र यादव की थी। और ये चार नेता जो बाहर से आए थे बीजेपी में, इनको स्टाल वार्ड मान करके लाया गया था बीजेपी में, और उसी हिसाब से इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि चूंकि ये एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में ये लोग रह चुके हैं, कि कैसे इनके संपर्कों का लाभ उठा करके और विधायकों को तोड़ा जाए, सो ये ऑपरेशन को अंजाम देते रहे। लेकिन ऑपरेशन अंजाम तक नहीं पहुँचा। अब जबकि सिर्फ इसमें ये नहीं हुआ है कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं सीएम, उनको रिजाइन करना पड़ा, बल्कि बीजेपी की किरकिरी हुई है। एक महीना तक जो कुछ भी वहाँ पे नाटकीय घटनाक्रम चला, उसमें बीजेपी जो ये कह के अलग हो गई थी, किनारे हो गई थी, देवेंद्र फडणवीस ने रिजाइन कर दिया था कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, वहाँ तक बीजेपी के साथ सहानुभूति थी, साफ सुथरी इमेज थी। लेकिन जिसने भी सलाह दी है हाईकमान को, और जिसके भी बल पर ऐसा किया गया कि 1,00,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, 30,000 करोड़ का बैंक घोटाला, अजीत पवार के बल पे ये ऑपरेशन शुरू किया गया, उसमें जो मात मिली है उसको लेकर के अब मंथन हो रहा है कि जो डेंट लगा है पार्टी की इमेज पे, उसको कैसे रिपेयर किया जाए। और बहुत दिनों के पहले की बात नहीं है, ऑलरेडी कर्नाटक में ऐसा हुआ था, लेकिन कर्नाटक में, और यहाँ पे अंतर ये है कि कर्नाटक में 104 विधायक आए, तो उसके बाद से उनको एक तरफा शपथ दिला दी गई थी येदुरप्पा को। बट यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने विश्वास मत हासिल नहीं कर सके, उन्होंने रिजाइन कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि बाकायदा एक महीने तक ड्रामा चला, और उसमें एक बार आपने ये स्टैंड लिया कि नहीं, हम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, दूसरे की पार्टी को नहीं तोड़ेंगे, हम साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, हम रिजाइन कर रहे हैं, हमारे पास संख्या बल नहीं है। और उसके बाद आपने जो है रातों रात जो है शपथ ले ली, और वो भी 1,00,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी के साथ आपने शपथ लिया उनके बल पे कि उनके विधायकों के बदौलत हम सरकार बना लेंगे। और फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो आपको अपने कदम पीछे हटाने पड़े। यदि मान लेते कि अजीत पवार जो है पहले पीछे हट गए होते, तो एक बात समझ में आ रही थी, अजीत पवार तो पहले पीछे हटे नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यदि शरद पवार ने सारे विधायकों को अपने पाले में नहीं खींचा होता, तो फिर तो दूसरा सीन होता, फिर अजीत पवार के साथ आप सरकार बनाते, और तब वो जो है गंगा में धुल करके, और ये अजीत पवार जो है एकदम शुद्ध हो जाते। तो इससे पार्टी को काफ़ी डेंट लगा है, और अब पार्टी लीडर्स जो है आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमने एक अच्छा मौका खोया, यदि उसी समय ये निर्णय ले लेते कि विपक्ष में बैठना है, और विपक्ष में बैठते तो जो इनकी एकजुटता अब हुई है शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की, शायद वो एकजुटता नहीं होती, फिर तो सरकार बनने के पहले दिन से रस्साकसी शुरू हो जाती, आप मौके का इंतजार करते, जैसा कि बाद में आपने कर्नाटक में किया, और फिर जब इनमें टूट होती तो आप सरकार बना लेते, ये काम आपने किया नहीं। अब आपके इस कदम से क्या हुआ कि कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना को एकजुट होने का मौका मिला, और जो शायद वो इस तरह अदरवाइज नहीं हो पाते, एकजुट मजबूत इतना नहीं हो पाते, उतना मजबूत अब वो हो गए आपके इस कदम से, और बीजेपी के इमेज को डेंट अलग लग गया बाहरियों पे भरोसा करके। तो ये रही पूरी कहानी, जैसे कि बीजेपी हारी, और अब हाईकमान मंथन कर रहा है कि गलती हुई, चूक हुई, अब कैसे हुई, इन लोगों पे बाहरियों पे भरोसा करने की वजह से हुई। और अजीत पवार को ओवर असेस कर लिया गया कि जैसे कि वो तो एनसीपी के लीडर, बहुत बड़े लीडर हैं, वहाँ दादा दादा कहा जाता है, तो सारे विधायकों को लेकर के आ जाएंगे, और हो गई पार्टी की किरकिरी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।